जय हिंद। पाठ नंबर 10 में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और गंगापुत्र पितामह भीष्म का शरशय्या पे लेट जाना, उसके बाद महारथी अंगराज कर्ण का कुरुक्षेत्र में आगमन होना और युद्ध भूमि में अंगराज कर्ण का प्रवेश हुआ, उसके बाद जब कौरवों ने जयद्रथ से एक व्यूहरचना रची और अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध शुरू हुआ और अर्जुन और जयद्रथ युद्ध करते करते कुरुक्षेत्र से अलग चले गए और उधर दोनों का युद्ध शुरू हुआ, तब तक इधर कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की और चक्रव्यूह की रचना करने के बाद पांडवों को वो चक्रव्यूह तोड़ना मुश्किल था, क्योंकि सिर्फ अर्जुन ही ऐसा आदमी था चक्रव्यूह तोड़ना जानता था, बाकी कोई पांडव सेना में चक्रव्यूह तोड़ने वाला दूसरा कोई नहीं था। लेकिन उसी समय अभिमन्यु जो था वो अपनी माता की पेट में ही अर्जुन द्वारा चक्रव्यूह में कैसे अंदर जाया जाता है ये सीखा था, लेकिन उसी समय अभिमन्यु की माता सो गई थी और उसके बाद उसको कुछ पता नहीं चला, सिर्फ चक्रव्यूह में अंदर जाने का ही पता था। अभिमन्यु ने महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया और चक्रव्यूह में घुसने की आज्ञा मांगी, तभी युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह में घुसने की आज्ञा दी, उसके पीछे भीम नकुल सहदेव और खुद युधिष्ठिर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद के अंदर जा रहा था, उसी समय चक्रव्यूह बंद किया गया और अभिमन्यु अंदर फंस गया। जब अंदर अभिमन्यु फंसा तभी ये महारथी अभिमन्यु 15 साल की उम्र का चक्रव्यूह के अंदर था, सभी कौरव सेना के बीच में वो फंस गया, तभी शकुनी दुर्योधन दुशासन और सेनानी थे, वो सेनानी उसके ऊपर वार कर रहे थे, ये अकेला 15 साल का युवक उनसे युद्ध कर रहा था, उसी समय सभी का चारों ओर से मारा हो रहा था, वो घायल हो रहा था, वो जब घायल हो रहा था उसने प्रतिकार करना छोड़ा नहीं, तभी अभिमन्यु को बाण लगा और अभिमन्यु रथ से नीचे उतरा, तभी दुर्योधन दुशासन और शकुनी इन्होंने अपनी तलवारें निकाली, अभिमन्यु के पास गए और अभिमन्यु को तलवारों से घोपना शुरू कर दिया, लेकिन 15 साल के युवक ने अपने मृत्यु को हंसते हंसते गले लगाना सीखा था, इसलिए उनके सामने हार नहीं मानी, ये निहत्ते अभिमन्यु को पूरे कौरव सेना मार रही थी। उसी समय उधर कर्ण भी देख रहा था, गुरु द्रोणाचार्य उधर थे, लेकिन उनके हाथों से तलवारें उठी नहीं गई, वो चुपचाप खड़े थे। तभी दुर्योधन जो था उसको तड़पा तड़पा के मारना चाहता था, इसलिए उसको मार नहीं रहा था, उसको सिर्फ तड़पा तड़पा के यातना ही दे रहा था। उसी समय शकुनी ने खंजर घोपना शुरू कर दिया, तभी कर्ण को ये देखा नहीं गया, जब दुर्योधन अपने खड़ग से उसके ऊपर वार करने वाला होता है उसी समय अंगराज कर्ण उधर चला जाता है और अंगराज कर्ण दुर्योधन का हाथ पकड़ता है, जब दुर्योधन का हाथ पकड़ता है तब दुर्योधन और पूरी सेना अंगराज कर्ण की तरफ देखती रहती है, तभी अंगराज कर्ण अपना खंजर निकालता है और खंजर लेके अभिमन्यु के पास जाता है और अभिमन्यु को पकड़ता है और सीधा गले लगाता है और बोलता है, पुत्र ना अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है ना मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इस धरती पे तूने हमारा हक छीन लिया, पुत्र तुमने हमारा हक छीन लिया, तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस धरती पे नहीं होगा, तू हमारे से ऊपर चला गया, पुत्र तू हमारे से ऊपर चला गया, हे मृत्यु देवता अगर आना है तो हसतमुख आ जा, बोल के अपना खंजर अंगराज कर्ण निकालते हैं, उसी तड़पते हुए युवक को अपना खंजर उसके छाती में घोपता है और उधर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी समय इस धरती के रचयिता प्रभु श्री कृष्ण के आंखों से पानी आ जाता है, उसके साथ साथ पांडव सेना में भी चिल्लाना शुरू हो जाता है। उसी समय ये युवक अभिमन्यु उसी जगह धाराधीर्त पड़ जाता है, लड़ते लड़ते मृत्यु को कैसे गले लगाना है अगर सीखना होगा तो अभिमन्यु ने पूरे जगत को सिखा दिया, जगत को सिखा दिया। उसके बाद जब अर्जुन वापस आ जाता है उसी समय जयद्रथ का गुस्सा अर्जुन के मन में रहता है, क्योंकि जयद्रथ ने ही अर्जुन को युद्ध करते करते रणभूमि से अलग कर दिया था, इसलिए अभिमन्यु का मृत्यु हुआ था। तभी दूसरे दिन जयद्रथ का वध महारथी अर्जुन करता है, उसके बाद कर्ण और अर्जुन की अंतिम लड़ाई शुरू हो जाती है, तभी महारथी कर्ण अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षाई करता है लेकिन एक दूसरे को कोई पीछे नहीं हटता, तभी जब अर्जुन कर्ण को बाण मारता है उनका रथ 3 योजन पीछे चला जाता है और कर्ण अर्जुन को बाण मारता है उसी समय सिर्फ अर्जुन का रथ 1 हाथ पीछे चला जाता है। उसी समय जो सारथी थे इस धरती के रचयिता प्रभु श्री कृष्ण वो कर्ण को बोलते हैं, वाह कर्ण वाह, तुम्हारे जैसा योद्धा इस धरती पे नहीं है, तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ योद्धा इस धरती पे नहीं है। तभी अर्जुन प्रभु कृष्ण को पूछते हैं कि प्रभु मैं जब बाण मारता हूं उसका रथ
तीन योजन पीछे चला जाता है और वो जब बाण मारता है अपना रथ एक हाथ पीछे जाता है, फिर भी आप कर्ण को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहते हैं? तभी प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ तुम्हारे ऊपर कौन है? वो है बजरंग बली। और तुम्हारा सारथी कौन है? इस धरती का रचयिता मैं खुद तुम्हारा सारथी हूं। और फिर भी वो अपना रथ एक हाथ पीछे भेजता है, उसके रथ पे कोई नहीं है, तीन योजन उसका रथ पीछे भेजता है, इसलिए वही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मैं बैठा हूं फिर भी एक हाथ रथ पीछे जा रहा है। तभी अर्जुन भी इस बात को मानता है, दोनों का युद्ध शुरू हो जाता है। तभी अंगराज कर्ण को ब्राह्मण का दिया हुआ शाप याद आता है और उसी समय अंगराज कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धस जाता है। ब्रह्मास्त्र याद करने की कोशिश करता है लेकिन प्रभु परशुराम का शाप उधर बीच में आता है, इसलिए ब्रह्मास्त्र भी उनके हाथ में नहीं आता। उसी समय उनके जो सारथी थे मद्र नरेश को बोलते हैं कर्ण, हे मद्र नरेश, मेरा रथ का पहिया जमीन में धसा है, आप मेरे रथ का पहिया निकालो। उसी समय मद्र नरेश उस रथ के पहिये को निकालने से मना कर देते हैं। तभी महावीर दानवीर अंगराज कर्ण अपने रथ से नीचे उतरते हैं और अर्जुन को ललकारते हैं, हे अर्जुन, मैं मेरे रथ का पहिया जमीन में धसा है, उसको निकालने के लिए नीचे उतरा हूं, अगर रोक सकता है तो अपने बाण रोक ले। तभी महारथी कर्ण नीचे उतर जाते हैं और अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश करते हैं। उसी समय इस धरती के रचयिता प्रभु श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं और अर्जुन को महारथी कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा वो बात याद दिलाते हैं और दुर्योधन ने जो जो कपट किए उस कपट में कर्ण भी सहभागी थे ये बातें उनको बताते हैं। उसी समय अपना अस्त्र निकालते हैं और अस्त्र निकाल के महारथी अर्जुन उस अस्त्र को चलाते हैं और वो सीधा महारथी महावीर कर्ण के गले में लग जाता है और कर्ण उधर ही गिर जाता है और तड़पना शुरू हो जाता है। जब उसी ब्राह्मण ने उनको शाप दिया था तुम्हारा रथ का पहिया कीचड़ में धसेगा और उधर ही मेरी गैया जैसी तड़प रही है वैसे तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, वैसे कर्ण तड़प रहा होता है। तभी एक ब्राह्मण महारथी कर्ण कहाँ है, महारथी कर्ण कहाँ है, ये आवाज लगाता हुआ आता है। तभी एक महारथी कर्ण तड़प रहे होते हैं, उसी समय उस ब्राह्मण को पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों आए हैं? उसी समय वो बोलता है, इस युद्ध भूमि में मेरा पुत्र वीर मरण प्राप्त हुआ है और उसको धन करने के लिए मेरे पास धन नहीं है, मेरे को धन की जरूरत है, मेरे को भिक्षा की जरूरत है। उसी समय महारथी कर्ण के पास कुछ नहीं होता, तभी अपने पुत्र वृषसेन को महारथी कर्ण बोलते हैं, मेरे दो सोने के दांत है, उनको निकाल और ये ब्राह्मण देवता को दे। तो वृषसेन दांत निकालने से मना करता है। तभी अंगराज कर्ण उसको आदेश देते हैं, मैं अंग देश का राजा, मैं तुमको आदेश देता हूं मेरे दांत गिराया जाए और उस ब्राह्मण देवता को दान दिया जाए। उसी समय ऋषिशन उनके दो दांत गिराता है और वो दांत दो ब्राह्मण देवता को देता है। तभी उस ब्राह्मण देवता को पता चलता है कि ये धारातीर्थ पड़ा है, ये मृत्युशैया पे पड़ा है, फिर भी इस आदमी ने मेरे को दान दिया। तभी वो ब्राह्मण देवता महारथी कर्ण को आशीर्वाद देता है और बोलता है, हे महारथी कर्ण, हे अंगराज कर्ण, इस धरती पे तुम्हारे जैसा दानवीर, तुम्हारे जैसा महावीर इस धरती पे दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु के शैया पर लेटे हुए भी आपने जो दान दिया है इस धरती पे दोबारा कोई नहीं करेगा। तभी इस दानवीर कर्ण का स्वर्गलोक जाना होता है और इसी महारथी कर्ण ने राजा के परिवार में जन्म लेते हुए भी अपना पूरा जीवन कष्ट में गुजारा उसके बाद भी कभी भी हार नहीं मानी। ऐसे महावीर वीर पुरुष को मैं सादर प्रणाम करता हूं और एक बात बताना चाहूंगा, मैं भारतीय भूदल में 18 साल सेवा करके सेवानिवृत्त हूं। मैंने महारथी कर्ण का जीवन चरित्र बताने की कोशिश की और आप लोगों ने जीवन चरित्र सही तरीके से सुना, इसलिए मैं आप सभी लोगों का शतशः ऋणी और आभारी हूं। जय हिंद, जय भारत।